ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। ये खुशबू की आहट, ये ताजगी सी राहत, चलो डूबे इसमें। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कार्बाइट या अन्य खतरनाक केमिकलों से फलों को पकाना भले ही प्रतिबंधित हो, लेकिन बाजार में इसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। फलों का राजा आम भी इससे अछूता नहीं है। अब आम पकाने के लिए चाइनीज पुड़िया का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। यह पुड़िया भी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसे पानी में भिगोने पर इथिलीन गैस निकलती है, जो सेहत के लिए खतरनाक है। यह पहचानना कि आम को पकाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया गया है आसान नहीं है। साफ है, शहर से लेकर गांव के बाजारों में यह चाइनीज पुड़िया लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने को पहुंच गई है। जहां तक इस पर लगाम लगाने वाले विभाग का सवाल है, वह हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इस भीषण गर्मी में गले की तरावट के लिए लोग आम के जूस का जमकर उपयोग कर रहे हैं, वहीं आम को काट कर भी खा रहे हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहरहाल इस समय आम को केमिकल से पकाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। आम की टोकरी या गत्ते के बीच कार्बाइट या चाइनीज एथिलीन की पुड़िया रखी जा रही है। नमी के संपर्क में आने पर पुड़िया फट जाती है और इससे एथिलीन गैस निकलती है, जो फल को पकाने का काम करती है। गैस इस कदर खतरनाक होती है कि इसके संपर्क में आने पर फल तुरंत पक जाता है और इस फल के संपर्क में आने पर दूसरे फल भी पकते चले जाते हैं। इथिलीन के साथ ही निकलने वाले अन्य तत्व कैंसर कारक होते हैं। आमतौर पर किसान आम तोड़कर व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी इसे शीघ्र बाजार पहुंचाने के लालच में मंडी में ही कार्बाइट से पकाते हैं। कार्बाइट या चाइनीज पुड़िया का प्रयोग फल पकाने के लिए वर्जित है, लेकिन इसकी आसानी से उपलब्धता प्रतिबंध पर भारी पड़ रही है। देखिए, आम के साथ ये जो भी चाइनीज केमिकल आया हुआ है, केला है, उसको भी पकाने के लिए जो है तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, और खाद्य पदार्थ चाहे सब्जियां हो चाहे फल, उसको पकाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके लिए हमारे लिए ना तो स्वास्थ्य विभाग जागरूक है,
ना तो जो खाद्य विभाग जागरूक है, और सबसे ज़्यादा कि हमारी जो हुकूमतें हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए आजकल एक दूसरे से घमासान मचाई हुई हैं, लेकिन सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य के नाम पे क्या क्या खिलवाड़ हो रहा है, क्या क्या खाद पदार्थ परोसे जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई इनके पास महकमा नहीं, कोई इसकी जो है निगरानी करने वाला नहीं। अब एक मिनट में और बता दूँ कि आज हमारे यहाँ आजमगढ़ ज़िले में 500 जो है पानी की सप्लाई करने वाले लोग होंगे, कभी उसकी भी जांच नहीं होती कि जो पानी आरओ के नाम पे सप्लाई किया जा रहा है उस पानी के अंदर क्या क्या पदार्थ है, क्या क्या नहीं है और कितना पानी वेस्ट हो रहा है। तो ये सब जहरीले चीज़ें रोज़ बरोज़ नई नई आती जा रही हैं, और एक नई चीज़ ये आपके ज़रिए मालूम हुई, ये केमिकल है, जहरीला केमिकल है। आने वाले दिनों में ये दो तीन साल जो दो तीन महीने आम हम लोग खाएँगे, वो आम खाएँगे कि या जहर खाएँगे, इस पर तवज्जो देनी चाहिए खाद्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को और हमारी हुकूमतों को, कि आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हम लोग यानी उस आम को खाने से अच्छा है कि जहर खा ले आदमी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। हम तो लोगों से यही कहेंगे कि आप इस आम का सेवन न करें जब तक सीजन का आम ना आ जाए। खास बात यह है कि फलों को पकाने के लिए जो केमिकल धड़ल्ले से छोटे छोटे बाजारों में उपलब्ध है, उसके बारे में कागजों में चलने वाले जनपद के खाद्य एवं औषधि विभाग को जानकारी तक नहीं है। यही हाल स्वास्थ्य विभाग का भी है। संज्ञान में लाने पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। 32 इंस्पेक्शन किए गए और उसमें 14 नमूने हम लोग कलेक्ट किए हैं जो जांच के लिए भेजा हूं, और करीबन 120 केजी फल केला को भी उन्होंने नष्ट कराया है, जो कटे फले और वो थे सड़े गल गए थे। तो इस तरह कार्रवाई हो रही है, इसको ट्रेस किया जा रहा है। अभी जो आप चाइनीज़ वाली बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जाने पे या तो छिपा लेते हैं, अब अभी हमें नज़र में नहीं आ पाया सर। सर कितना नुकसानदायक है सेहत के लिए जो चाइनीज़ केमिकल? नहीं, चाइनीज़ केमिकल के बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है सर इस बारे में, लेकिन हाँ कैल्शियम कार्बाइड से जो फल पकाए जाते हैं उससे धीरे धीरे बॉडी को नुकसान होता है, लीवर कैंसर, लीवर और इस पर जो है असर करता है धीरे। अब ये फूड और फूड विभाग जो है प्रशासन के अंडर में है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनसे भी समन्वय स्थापित किया है कि आप नियमित जो है इनकी जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि जनपद में कहीं भी कटा फल या जूस वगैरह जो खुले में बेची जा रही है, या मिठाइयां जो है इस पर मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थ, उस पर रोक लगे। भले ही सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर तमाम दावे कर रही है, लेकिन आजमगढ़ में दबंग खुलेआम असलहों का प्रयोग कर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। जी हां, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरा सोफी गांव में भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष के मनबल लोगों द्वारा कुछ मजदूरों को भगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई दबंग हाथों में डंडे व पिस्टल लेकर वहां काम कर रहे मजदूरों को न केवल दौड़ाया बल्कि खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। जब मजदूर व काम करा रहे लोग वापस लौट गए तो गाली गलौज करते हुए दबंग तोड़फोड़ करने लगे। घटना की पुष्टि करते हुए सीओ सदर
अकमल खान ने बताया कि पिछले दिनों का मामला संज्ञान में आने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और स्थानीय ग्राम प्रधान मिस्टर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक भूखंड पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। घटना के दिन एक पक्ष बाउंड्री खड़ा कर रहा था, तभी स्थानीय प्रधान पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। क्षेत्र के पूरा सोफी गांव में एक जमीन की कब्जेदारी को लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। उसमें एक पक्ष के द्वारा जो है वहां पर दबंगई की गई और वहां पे जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भगाया गया। तो एक आक्रामक पक्ष जो है उसके विरुद्ध जो है थाना मुबारकपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके पश्चात दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है, चल रही है अभी। इसमें आरोपी का नाम क्या है जो इस तरीके से? आरोपी स्थानीय प्रधान है, मिस्टर नाम है उसका, और उसको भी गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बशीर बद्र का यह शेर कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, कि तामील में उनके समय प्रबंधन, ज्ञान व मनोरंजन का हर अभिभावक आजकल ध्यान रख रहा है। यही कारण है कि वो अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टी के लिए बेहतर समर कैंप में उनका दाखिला करा रहा है। एक ऐसा ही समर कैंप इन दिनों हीरापट्टी क्षेत्र स्थित पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है। 1 जून तक चलने वाले इस समर कैंप में बच्चों को योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, डांस, बॉलीवुड व क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, कठपुतली मेकिंग, वाटर पूल एक्टिविटी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी, आर्मी ट्रेनिंग सहित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में प्रतिभाग कराया जा रहा है। समर कैंप के आयोजकों ने बताया कि विद्यालय में लगातार 5वें वर्ष समर कैंप आयोजित हो रहा है। इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे नई चीज़ें सीख सकें, अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। समर कैंप करते हुए हमें अभी आज 5वां साल है और ये समर कैंप 4 से 14 साल के बच्चों के लिए होता है, जो कि ओपन टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स हैं। किसी भी स्कूल के बच्चे आ सकते हैं और इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं बच्चों के लिए, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स। इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, लूडो, कैरम तो है ही, उसके अलावा टेबल टेनिस और आर्चरी है। आउटडोर स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह के खेल हैं। और इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है हमारे यहाँ, जो बच्चों, जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी होती है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हर बच्चे को दी जाती है। योगा है, फिजिकल एक्सरसाइज है। अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे यहाँ आते हैं तो शुरुआत हम वार्म अप एक्सरसाइज से करते हैं और उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ लाइंड अप होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा जो और क्लासेस हैं उसमें हम डांस
इंडियन और वेस्टर्न डांस उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। ड्राइंग है, गर्ल्स जो हैं इंटरेस्टेड उनके लिए मेहंदी की क्लासेस होती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, म्यूज़िक है, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल, जिन बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो सिंगिंग की बारीकियाँ सीखते हैं, और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में भी जिन बच्चों को इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए उनको सिखाया जाता है। ये समर कैंप 10 दिन के भी होते हैं, 15 दिन के भी होते हैं, 20 दिन के भी होते हैं। वी यूज़ टू रन 15 डेज समर कैंप। 15 दिन का समर कैंप हम रन करते हैं जस्ट आफ्टर स्कूल्स। इसमें ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चे को उनकी थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। जैसे स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो बच्चों की जो एक इनसाइट डेवलप होती है डांस के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, वो उनको उनकी थ्रू आउट द स्कूल थ्रू आउट द ईयर स्कूल की एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं पता कि उसका इंटरेस्ट किस में है, और यहाँ 15 दिन की क्लासेस करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि मेरा इंटरेस्ट तो जिमनास्टिक्स में ज़्यादा है, या उसको कोई स्पोर्ट्स पसंद आने लगता है। तो इस तरह से बच्चे की एक हॉबी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। 15 दिन में हम उनको एक इंस्ट्रक्शंस और उसके थ्रू समझा देते हैं, और अगर उनको समझ में आता है आगे वो उसको परस्यू कर। रहमतों और बरकतों के मुबारक महीने रमज़ान की रौनक हरसों दिखाई दे रही है। साल के 12 महीनों में सबसे अफजल व अव्वल महीना माने जाने वाले रमज़ान की रौनक महसूस की जा रही है। रोजेदार पूरी अकीदत से रोजे का फर्ज निभा रहे हैं। अल्लाह की इबादत व राह में भीषण गर्मी के दरमियाँ भी उनके हौसले बुलंद हैं। मन आत्मा की शुद्धि के लिए पूरे सब्र व ईमानदारी से वह हुजूर आला की इबादत व खिदमत में लगे हुए हैं। इस्लामिक विद्वान व सिबली एकेडमी के डॉक्टर उमेर सिद्दीकी नदवी साहब ने रमज़ान व रोजे का महत्व बताते हुए कहा कि माह रमज़ान बुराई से तौबा करने का महीना है। इस माह में इबादत का नेकी का 70 गुना सवाब मिला करता है। उन्होंने बताया कि असल में यह एक माह की ऐसी ट्रेनिंग है जो हमारी 11 माह को बेहतर बनाने का काम करता है, क्योंकि भूख व प्यास ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बिगाड़ती हैं बनाती हैं। इस पवित्र महीने का यही पैगाम है कि बुराइयों से दूर रहो और अच्छाइयां भरपूर करो। वास्तव में रोज़ा रूह को पाक साफ करने का ही नाम है। बोल रहा हूँ, और खुशी की बात यह है कि हमारा ये लोकप्रिय जो TV चैनल है ये हर साल रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में लोगों को बताने की, उनको एक उसके बारे में जो जिज्ञासा होती है लोगों को उसको दूर करने के लिए हम आप इसके माध्यम से आपसे बातें करते हैं। ये साल भी मौका दिया है खुदा ने कि एक बहुत ही पाक महीना, जिसको सारी दुनिया पाक मानती है, कि ये 30 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कहा गया है कि रोज़ा रखो। तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि इस रात से और शाम तक जो है वो सुबह से लेकर शाम तक आदमी खाली पेट रहे भूखा प्यासा, बल्कि उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने खुदा की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ ज़्यादा तवज्जो करे और उससे ये कहे कि ऐ खुदा हमारे सामने दुनिया की जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। ये भूख और प्यास जो है यही इंसान को बिगाड़ती भी है, यही बनाती भी है। तो ये भूख और प्यास कितनी होनी चाहिए, और दूसरों में जाकर भूख प्यास है तो उसका हमको एहसास कितना होना चाहिए। तो ये एक इंसान को बनाने का, उसकी ज़िंदगी को संवारने का एक ख़ास पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है। एक महीना 365 दिन में सिर्फ 30 दिन खुदा ने हमसे लिए हैं कि इसमें तुम पूरी तरीके से हमारे लिए हो जाओ, मस्जिद के हो जाओ, कुरान पढ़ो, कुरान की बातों को समझो, और फिर उसको जो है, और कुरान की बातें क्या हैं, वो पूरे एक समाज को बनाने वाली चीज़ें हैं। ये जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहो, जो अच्छाइयां हैं उनको खूब करो, यही एक पैगाम है इसका। तो रोज़ा जो है, रोज़ा असल में अपनी रूह को, अपनी आत्मा को पाक करने का, साफ करने का, और दुनिया की हर लालच से, हर लालच से हर चमक दमक से दूर हो जाने का नाम है। तो हम समझते हैं कि ये रोज़ा सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक रहमत, इसलिए कहा गया कि रहमत का महीना है।
हैं कि इसमें गुनाह बख्शे जाते हैं, मगफरत का महीना है, इसमें जहन्नम जो नरक है, नरक है, नरक से छुटकारा मिल जाता है। अब जो माने नरक तो उसके लिए है, जो ना माने उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो मानते हैं कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो बुरा करेंगे तो उसका भी भुगतेंगे और अच्छा करेंगे तो भी हमको कुछ मिलेगा, जिसका ये विश्वास हो, अकीदा हो, ये उनके लिए है असल में। तो हम ही समझते हैं कि रमज़ान का महीना सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानी समाज के लिए है कि एक पैगाम जाता है कि आदमी पाक रहे, साफ रहे, दिल का अच्छा रहे, सोच का अच्छा रहे, हमारी सोच अच्छी हो जाए, हमारे सोच जो है हमारे काम पर उसका असर दिखाई दे, हम किसी गरीब को देखें तो हमारे दिल में एक तमन्ना हो कि हम इसकी मदद कर सकें। कहा गया है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी भूखा है तो फिर तुम्हारा रोज़ा नहीं होगा, कि तुम्हारा भूखा रहना बेकार है अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया। तो ये क्या है, ये एक पैगाम होता है कि दुनिया है, दुनिया में इंसानों की एक बिरादरी है, तो हर इंसान दूसरे इंसान का दुख दर्द समझे, इसी का नाम है, इसी को इकट्ठा एक साथ करने का काम जो है रमज़ान में होता है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। एक ये भी हो सकता था कि कहते कि सर्दी में रख दिया जाए, गर्मी में रख दिया जाए, लेकिन नहीं, इसको किसी को ख़ास नहीं किया गया, पूरी दुनिया में ये एक ही वक्त में आएगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ताकि एक विश्व का जो एक समाजवाद है, विश्व का बिरादरीवाद है, ये सामने आए लोगों को। और बिरादरी क्या होती है, समाज क्या होता है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना, इसी का नाम जो है वो समाज। रमज़ान इसी समाज को बनाने का काम करता है, और इसके लिए आदमी जो है अपने खुदा से जितना ज़्यादा करीब हो जाएगा, जितना नमाज़ पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा, दुआएं मांगेगा, हाथ उठा उठा के फैला फैला के रो रो के मांगेगा, यही चीज़ जो होती है, यही रमज़ान को रमज़ान बनाती है, रोज़े को रोज़ा बनाती है। हमारी दुआ है कि हम लोग भी रमज़ान की बरकतें हमारे साथ भी हों, हमारे देशवासियों के साथ हो। आज जो देश का हाल है, जो विश्व का हाल है, लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। यहाँ तो एक प्यास को बताया गया कि एक घूंट प्यास की कीमत क्या होती है, हम खून के प्यासे हो रहे हैं। इसको दूर करना है तो समाज में वो बनना पड़ेगा जो एक रोज़ेदार होता है। रमज़ान में ये है कि अब छोटे को कह देते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे कैसे रखें, तो कहा गया है कि जो बालिग हो जाए, जो बालिग है ना, बालिग अवस्था जानते हैं, जैसे वोटर की वो एक वो है कि 18 साल, तो इसमें है जब आदमी जब सयाना हो जाए, बच्चा जब बड़ा हो गया, या अगर कमज़ोर है, बीमार है, तो उसके लिए नहीं है। अगर वो सफ़र कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी नहीं है। हैं, ये भी कहा गया कि जो ताकतवर हो, सेहतमंद हो और जवान हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसके लिए फ़र्ज़ है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ऐसे बूढ़े जो ना रख सकें, उसके बदले में कुछ अदा कर दें, कुछ दान पुण्य कर दें, ये होता है। जनपद के प्रतिष्ठित कॉलेज श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में शुक्रवार को कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विद्यालय की कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक की छात्राओं ने विभिन्न कलाकृतियों और मॉडल्स के जरिए अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता सिंह ने बताया कि बेहद ही कम समय में विद्यालय के छात्राओं ने अपने अपने आर्ट और साइंस से संबंधित मॉडल्स तैयार किए। इन मॉडल्स के जरिए उन्होंने प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास का एक तरफ जहां संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपयुक्त सामग्रियों के बेहतर उपयोग का संदेश भी लोगों तक उनके द्वारा प्रेषित किया गया। आज बच्चों के द्वारा विज्ञान और कला प्रदर्शनी लगाई गई है। आर्ट के माध्यम से बच्चों ने बहुत सी संदेश दिया है, और प्रोजेक्ट इन्होंने विज्ञान का बनाया है, पोल्यूशन पे बनाया है और स्वच्छता पे बनाया है, और कैसे ओजोन परत में के कारण जो है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो विकृतियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों इन्होंने अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया है। कुछ पुरानी ऐतिहासिक बातें भी इन्होंने अपने चार्ट के माध्यम से इंगित किया है, और
कला के माध्यम से भी इन्होंने वेस्ट मटेरियल जो है उससे कैसे साज सज्जा किया जाता है ये भी इन्होंने उसमें प्रदर्शन किया है। एक बच्चों के द्वारा ये प्रयास जो किया गया है प्रथम बार विद्यालय में और बहुत ही कम समय में लेकिन लेकर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया है।